अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ रही है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण उनकी समस्याएं अब तक हल नहीं हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वे अपने आंदोलन और तेज करेंगे। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हमारे पूर्व में ही हमने 9 सूत्री मांग पत्र बहुत पहले करीबन 6 महीने पहले, एक हमारी पुरानी मांगें बहुत पहले से ही हैं कि जो व्यवस्था को सुधारने के लिए 1 साल पहले से, जो इससे पहले कुलपति जी आए हमारे प्रोफेसर जी दृष्टि जी, उनसे भी हमारी यही मांग रही है। लेकिन ये मांगों पर आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा है, और विश्वविद्यालय प्रशासन चलाया जा रहा है 4 साल हो गए, एक पद विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में नहीं आया, एक पद बागेश्वर परिसर के लिए नहीं है, एक पद पिथौरागढ़ परिसर के लिए नहीं, चंपावत परिसर के लिए खोल दिए हैं 3 परिसर, अब कर्मचारी नहीं, कैसे विश्वविद्यालय चलेगा। हमारी मांग है आज की डेट में तो विश्वविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारते हुए जो हमारी न्यायोचित मांगे हैं, जैसे कि हमने कहा था कि 6 महीने ये 6 महीने बीतने वाले होंगे, जो न्यायालय का आदेश आया है कि आप जिसको 10 साल हो गए हैं उसको आप नियमितीकरण कर दिए तो हमारे कर्मचारी बढ़ जाते, कुछ उनके लिए कुछ नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि हमारे पटल चेंज किए जाएं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को, मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को हमारे विश्वविद्यालय पर बुलाया जाए और उनसे परामर्श लिया जाए, विश्वविद्यालय अधिकारी उनसे परामर्श ले और विश्वविद्यालय चलाए इस तरीके से, ये हमारी व्यवस्थाओं के।